किसके प्रयासों से बना था? इंदिरा गांधी के प्रयासों से बना था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ये बच्चों मतलब क्या था, जब 1905 में ना बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, 1905 में कौन सा विभाजन किया था बच्चों? बंगाल विभाजन किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत गाया था बच्चों, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, और इसी को ना उन्होंने क्या बना लिया, अपना राष्ट्रीय गान बना लिया। तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या रहेगा बच्चों? जातीय संसद रहेगा। बांग्लादेश किसके आधार पर अलग हुआ? जाति के आधार पर। तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या रहेगा बच्चों? जातीय संसद रहने वाला है। कौन सा रहेगा? जातीय संसद। एक बार आया था ओइली, उज्बेकिस्तान की संसद का क्या नाम रहेगा? ओइली मजलिस। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की संसद का नाम क्या रहेगा? ओइली मजलिस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की संसद का नाम क्या रहेगा? ओइली मजलिस रहेगा, ओइली मजलिस रहेगा। उज्बेकिस्तान की संसद का नाम क्या रहेगा? ओइली मजलिस। मैंने आपको बताया बच्चों, जितने भी ये मुस्लिम मतलब राष्ट्र होते हैं, इनका ज़्यादातर मतलब संबंध किससे रहेगा? संसद का मजलिस से। जैसे ईरान ओमान और मालदीप की कौन सी थी बच्चों? मजलिस थी। और कुवैत की क्या थी? मजलिस ए अम्मा थी। और उज्बेकिस्तान की कौन सी है? ओइली मजलिस। देखो ऊ से ओइली, ऊ से क्या पढ़ लेंगे, ऊ को ऐसे किया ए बन रहा है, ऊ से ओइली, और ये मुस्लिम राष्ट्र है तो मजलिस तो आएगा ही आएगा। उज्बेकिस्तान की संसद का क्या नाम रहेगा? ओइली मजलिस रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? ओइली मजलिस। किसकी संसद का नाम है? उज्बेकिस्तान की संसद का नाम है। एक बार आया था बच्चों मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगरा। मलेशिया, मलेशिया की संसद का नाम क्या रहेगा? दीवान निगरा। मलेशिया की संसद का नाम क्या रहेगा बच्चों? दीवान निगरा। किसके संसद का नाम रहेगा? मलेशिया की संसद का नाम क्या रहेगा? दीवान निगरा। दीवान निगरा किसके संसद का नाम है? मलेशिया। मलेशिया में बच्चों हमें क्या नजर आ रहा है? सिया। क्या नजर आ रहा है? सिया। सिया किसी लड़की का नाम था, और लड़कियों के लोग क्या होते हैं? दीवाने होते हैं। और लड़कियों के लोग किसके दीवाने होते हैं? निगाहों के दीवाने होते हैं। लड़कियों के लोग के मजलिस में सिया, ये मतलब मलेशिया में सिया, सिया लड़की का नाम था, लड़कियों के लोग क्या होते हैं? दीवाने से दीवान पढ़ लेंगे, और किसके दीवाने होते हैं? निगाहों के दीवाने होते हैं। तो दीवान निगरा किसकी संसद का नाम रहेगा? मलेशिया की संसद का नाम रहेगा। एक बार आया था पोलैंड की संसद का नाम, इंपॉर्टेंट है बच्चों, पोलैंड की संसद का नाम क्या रहेगा? पोलैंड की संसद का नाम रहेगा सोजिम। पोलैंड की संसद का नाम क्या रहेगा बच्चों? सोजिम रहेगा। पोलैंड की संसद का नाम क्या रहेगा? सोजिम रहेगा। याद कैसे करोगे कि आजकल बच्चों किसका क्रेज है? जिम का क्रेज है। आजकल के बच्चे कहाँ पर जाते हैं बच्चों? जिम में जाते हैं। हट्टी खट्टी डोले सोले बनाने के लिए कहाँ जाते हैं? जिम पर जाते हैं। एक लड़का होता था, घर से बापू से पैसे ले आया कि बापू मैं कहाँ जाऊँगा, डेली जिम में जाऊँगा। और एक बार ना बापू है ना शहर गया हुआ था, और बापू ने जाकर देखा कि मेरा बेटा जिम में क्या कर रहा है। तो बेटा जिम में क्या कर रहा था बच्चों? सो रहा था। बापू जिम में गया तो बेटा जिम में क्या कर रहा था? सो रहा था। तो बेटे की क्या खुल गई? पोल खुल गई। बेटे की क्या खुल गई? पोल। बेटा जिम में जाता था और सो जाता था, बापू आ गया तो बेटे की क्या खुल गई? पोल। तो पोलैंड की संसद का नाम क्या रहेगा? सोजिम रहेगा। पोलैंड की संसद का नाम क्या रहेगा? सोजिम रहेगा। ये बच्चों मेन राष्ट्रों की हमने संसद के नाम पढ़े। आज तक जितने मर्जी है ना SSC के एग्जाम उठाए हैं, जितने UPSC लेवल तक के एग्जाम उठाए हैं, इतने संसद के नाम है ना बार बार। SSC HSSC का पैटर्न ही ये होता है कि बच्चों वो बार बार क्वेश्चन क्या करती है? रिपीट करती है। जो 10 साल वे पहले पूछा था वो अभी पूछ रही है। तो हमें ना प्रीवियस पेपर के हिसाब से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना सीखना चाहिए। हमें HSSC की सोच तक पहुंच जाना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था स्पेन, पेन कब होगा? जब हमें कार कुचल दे। स्पेन की संसद का नाम
नाम क्या था? कार्टेस। क्या था? कार्टेस। जापान, जापान, पान खाना लोगों का क्या बन चुका है? डाइट। तो जापान की संसद का नाम क्या था? डाइट। नेपाल, नेपाल गरीब, गरीब लोग कहाँ पर रहते हैं? पंचायत में। नेपाल की संसद का नाम क्या था? राष्ट्रीय पंचायत। चीन, चीन में क्या रहते हैं? पीपल। तो नेशनल पीपल कांग्रेस किसकी संसद का नाम था? चीन की। जापान, पान खाना लोगों का क्या बन चुका है बच्चों? डाइट बन चुका है। और अफगानिस्तान, गान करेंगे तो क्या, अफगानिस्तान में गान गान करेंगे तो क्या होगा? शोर। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या था? शोरा। और स्विट्जरलैंड, फ्रेंड कैसा होता है? स्वीट। तो फेडरल असेंबली। और ईरान, मालदीप, ओमान यानी जो मुस्लिम कंट्री होती है उनकी संसद का नाम क्या होता है? मजलिस। उज्बेकिस्तान की पूछे तो ओयली मजलिस हो जाएगा, कौन सी मस्जिद? और कुबैत की पूछे तो मैंने बताया था कुबैत, क्रूब लड़का हो तो माँ को कैसा नज़र आता है? अम्मा को अच्छा, तो मजलिस ए अम्मा हो जाएगा। अमेरिका में पीछे का कांग्रेस में स्टार्टिंग में का अमेरिका की संसद का नाम क्या था? कांग्रेस। फिर हमने पढ़ा जर्मनी, जर्मनी में बूंद, जर्मनी मनी कैसे, जर्मनी में मनी मनी कैसे इकट्ठी होती है? बूंद बूंद। तो जर्मनी की संसद का नाम क्या था? बुंदस्टेग, बुंदस्टेग। और भारत में तो आपको पता है संसद कहा जाता है। और बांग्लादेश का, बांग्लादेश किस आधार पर अलग हुआ था? जाति के, तो जातीय संसद हो जाएगा। और ओयली मजलिस किसकी थी? उज्बेकिस्तान की। मलेशिया में सिया, सिया लड़की, लड़कियों के लोग कैसे होते हैं? दीवाने। किसके? निगाहों के, तो दीवान ए दीवान निगरा। पोलैंड, बेटा जिम में जाता था और सो जाता था, बापू आ गया तो क्या खुल गई? पोल खुल गई। तो ये क्या थे बच्चों संसदों के नाम। अब एक हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से उठाएंगे जहाँ से बच्चों क्वेश्चन ना हर एग्ज़ाम में बने हैं, हर एग्ज़ाम में वहाँ से क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। ये है अनुसंधान केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनुसंधान केंद्र। ये बच्चों इम्पोर्टेंट है, हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो HSSC है ना बार बार एग्ज़ाम में पूछेगी। अभी कौन सा रहेगा बच्चों? अनुसंधान केंद्र, प्रमुख अनुसंधान केंद्र। HSSC का एग्ज़ाम उठा कर देख लेना बच्चों, अनुसंधान केंद्र से ना वो क्वेश्चन, रिसर्च सेंटर से क्वेश्चन पक्का पूछती है। आज हमने ना ये कोशिश की है बच्चों, पुराने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना SSC CGL लेवल के, HSSC के, उनमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना वो आपके लिए उठा कर लाए हैं। एक बार आया था केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, ये तो बच्चों HSSC ने ही पूछा था, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र। ये है बच्चों देहरादून में, कहाँ पर है? देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? देहरादून में। बच्चों याद तो कुछ करना नहीं है, ट्रिक ही याद करनी है। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र में क्या नजर आ रहा है? वन। और वन कैसा होता है बच्चों? हरा होता है। वन कैसा होता है? हरा। वन हरे भरे होते हैं ना, केंद्रीय वन अनुसंधान में वन, और वन कैसा होता है बच्चों? हरा। तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून। कौन सा है केंद्रीय वन? वन कैसा होता है? हरा। तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून। एक बार आया था बच्चों पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, ये भी देहरादून। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर रहेगा बच्चों? देहरादून में रहेगा। यानी पेट्रोलियम पर रिसर्च सेंटर कहाँ पर रहेगा? देहरादून। याद करना मुश्किल नहीं है बच्चों, पेट्रोलियम ऐसे तो नहीं बना ना, हमें बचपन में पढ़ते आ रहे थे बच्चों कि अरे भरे पेड़ पौधे होते थे वो दब गए नीचे और उनके ऊपर एक परत जम गई, और फिर बच्चों फिर मतलब भूकंप आया उनके ऊपर एक परत और आ गई, एक परत और आ गई, एक परत और आ गई, और नीचे गर्मी से बच्चों किसका निर्माण होता है? पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होगा? हरे भरे वनों से पेट्रोलियम का निर्माण होगा। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होगा? हरे भरे वनों से। अगर बच्चों पेट्रोलियम, कोई आप दोस्त से गाड़ी, याद ये ना रहे ना, कोई दोस्त से आप गाड़ी लेने जाओ और गाड़ी में ना पेट्रोल फुल हो तो आपकी तबीयत कैसी हो जाएगी? हरी हो जाएगी। पेट्रोल गाड़ी लेने गए दोस्त से और गाड़ी में पेट्रोल क्या था? फुल। तो तबीयत कैसी हो गई? हरी हो गई, क्योंकि दोस्त को हम दोबारा पेट्रोल भर के तो गाड़ी देनी नहीं होती ना, जो है ना वही
खर्च करना है, तो पेट्रोलियम देखते ही हमारी तबीयत कैसी हो गई हरी। तो पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून, वन वैसे ही हरे भरे होते हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, देहरादून। एक बार आया था बच्चों कैंसर अनुसंधान केंद्र मुंबई, कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होता है, मुंबई में है कैंसर अनुसंधान केंद्र, कैंसर अनुसंधान केंद्र, कैंसर अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र यह है मुंबई में है, कहाँ पर है, मुंबई में है। कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा बच्चों, मुंबई में रहेगा। कैंसर में क्या नज़र आ रहा है, सर, क्या नज़र आ रहा है, सर। और बच्चे कहते हैं सर कैसे होते हैं, मुंबई से महान, सर कैसे होते हैं, महान, महान से क्या पढ़ लेंगे, मुंबई। कैंसर में सर और सर कैसे होते हैं, महान होते हैं। सर जी, सर माने गुरु, और गुरु कैसे होते हैं, महान। और हमें अपने गुरुओं की क्या करनी चाहिए, इज्जत, क्योंकि गुरु सर कैसे होते हैं, महान। तो कैंसर देखो केंद्रीय वन अनुसंधान, वन कैसा होता है, हरा। तो और पेट्रोलियम को देखते ही तबीयत कैसी हो जाती है गाड़ी में, हरी। तो पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, और कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, मुंबई में रहेगा। एक आता है बच्चों पशु प्रजनन केंद्र, ये तो बच्चों हमारे हरियाणा में हिसार में ही रहेगा, पशु प्रजनन केंद्र, पशु प्रजनन, प्रजनन केंद्र, पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, हिसार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, ये तो ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी करवा देता हूँ। पशुओं से हमें दूध मिलता है, और पशु का दूध पीना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। पशुओं के ही दूध पीते हैं ना, पशु का दूध पीना हमारे जीवन का क्या बन चुका है, हिस्सा। तो पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, हिसार। वन वाला कहाँ पर था, वन हरे भरे देहरादून में था, और पेट्रोलियम वाला, पेट्रोलियम की गाड़ी फुल पेट्रोल देखते ही हरे हो गए, देहरादून। और कैंसर में सर, सर कैसे होते हैं, महान। कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था, मुंबई। और पशु हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा। तो बच्चों हरियाणा में पूछी जाती है, भारत में कैसी कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है, जहाँ पर ना पशुपालन के साथ क्या होती है, कृषि के साथ पशुपालन होता है। तो पशु हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा है। एक बार आया था बच्चों नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये भी हरियाणा में है, करनाल में, नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र, नेशनल, नेशनल डेयरी, नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र, नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, करनाल। याद ना रहे, करनाल में बच्चों क्या फेमस है, चावल, और चावल के बासमती चावल के कारण करनाल को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। तो करनाल के चावल पूरे नेशनल लेवल पर मशहूर है, याद कैसे करोगे, करनाल के चावल पूरे नेशनल लेवल पर मशहूर है। तो नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, करनाल में हो जाएगा। एक बार आया था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस यानी नेशनल टीबी अनुसंधान केंद्र, ये रहेगा बंगलुरु में, नेशनल, नेशनल, नेशनल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ये वाला कहाँ पर रहेगा, बेंगलुरु में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, बेंगलुरु में रहेगा। कहाँ पर है, टीबी में पीछे बी, और बी से बेंगलुरु, बी से क्या पढ़ लेंगे बच्चों, बेंगलुरु पढ़ लेंगे, बी से क्या पढ़ लेंगे, बेंगलुरु पढ़ लेंगे, टीबी, टीबी। और जब इंसान को टीबी हो जाती है ना, तो पैसे लगते हैं ना, पैसे कैसे लगते हैं, बैग भर भर के। टीबी का इलाज करने के लिए पैसे कैसे लगते हैं, बैग भर भर के। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस सेंटर कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलुरु। कैंसर वाला कहाँ पर था बच्चों, मुंबई में। सर कैसे होते हैं, महान। और टीबी में बी, बी से बेंगलुरु, या टीबी हो जाए तो पैसे कैसे लगते हैं, टीबी हो जाए तो पैसे बैग भर के लगते हैं। आगे आता है बच्चों रोड अनुसंधान केंद्र, ये तीन करा रहा हूँ, तीनों दिल्ली में, रोड अनुसंधान केंद्र, मलेरिया अनुसंधान केंद्र, और कृषि अनुसंधान केंद्र। रोड अनुसंधान केंद्र, रोड अनुसंधान केंद्र एक बच्चों, मलेरिया अनुसंधान केंद्र, मलेरिया अनुसंधान केंद्र, रोड अनुसंधान केंद्र, और कृषि, कृषि अनुसंधान केंद्र। तीनों, रोड अनुसंधान केंद्र, मलेरिया अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, तीनों कहाँ पर है,
नई दिल्ली में है। कहाँ पर रहेंगे? नई दिल्ली में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? नई दिल्ली में रहेंगे। रोड अनुसंधान केंद्र हो गया, मलेरिया अनुसंधान केंद्र हो गया, कृषि अनुसंधान केंद्र हो गया, तीनों कहाँ पर रहेंगे? नई दिल्ली में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? नई दिल्ली में रहेंगे। याद ना रहे तो टेंशन मत लेना। रिया, रिया एक लड़की का नाम था। रिया किसका नाम था? एक लड़की का नाम था। और उसके मतलब जो मतलब दादा दादी थे रिया के, कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। रिया के दादा दादी कहाँ पर रहते थे? दिल्ली में रहते थे। तो रिया है ना बच्चों, रिया के मम्मी पापा क्या करते थे? खेती करते थे, कृषि करते थे। तो रिया है ना कृषि से ना मतलब चावल हो गया, गेहूं हो गई। तो रिया है ना चावल और गेहूं या कृषि के उत्पादन रोड रोड होते हुए कहाँ ले गई? नई दिल्ली रह गई। तो रिया के दादा दादी दिल्ली में रहते थे और रिया अपने दादा दादी से क्या करती थी? प्यार करती थी। तो रिया अपने दादा दादी के पास कैसे जा रही है? रोड से जा रही है। और क्या लेकर जा रही है? कृषि के उत्पादन चावल गेहूं लेकर कहाँ जा रही है? दिल्ली। तो रिया कृषि के उत्पादन लेकर रोड से कहाँ गई? नई दिल्ली। तो कृषि अनुसंधान केंद्र भी नई दिल्ली में हो जाएगा, रोड अनुसंधान केंद्र भी नई दिल्ली में हो जाएगा, और मलेरिया अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। इन चीज़ों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। एक है बच्चों ईंधन अनुसंधान केंद्र, यह है धनबाद झारखंड में। ईंधन अनुसंधान केंद्र, ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? धनबाद में रहेगा, झारखंड में। ईंधन ईंधन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर रहेगा बच्चों? धनबाद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? धनबाद में रहेगा। और धनबाद इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर रहेगा? झारखंड में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? झारखंड में रहेगा। ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? धनबाद में रहेगा। धनबाद कहाँ पर रहेगा? झारखंड में। देखो ईंधन में धन और यहाँ भी धन, धन से धन, धन 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 धना धन धन। तो ईंधन में धन और धनवाद में भी धन, तो धन से धनवाद कर लेंगे। धन से क्या कर लेंगे? धनवाद कर लेंगे। तो ईंधन अनुसंधान कहाँ पर रहेगा? धनवाद। और धनवाद कहाँ पर रहेगा बच्चों? झारखंड में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार आया था ड्रग अनुसंधान केंद्र लखनऊ। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? ड्रग अनुसंधान केंद्र आ चुका है बच्चों। ड्रग ड्रग अनुसंधान केंद्र, ड्रग अनुसंधान केंद्र ये रहेगा बच्चों लखनऊ में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? लखनऊ में रहेगा। ड्रग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा बच्चों? लखनऊ में रहेगा। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? ड्रग। और बच्चों जिसको ड्रग की लत लग जाती है ना, तो बच्चों अंत में तो उसको मरना ही है ना। जिसको ड्रग की लत लग गई तो घर वालों के इस ड्रग के चक्कर में लाखों रुपए क्या हो जाएंगे? खर्च। लत आपको लगी है ड्रग की, लेकिन रुपए किसके लगेंगे? घर वालों को। कैसे लगेंगे? लाखों। तो ड्रग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। हमने पढ़े तीन, जैसे मलेरिया अनुसंधान केंद्र पढ़ा था, कृषि अनुसंधान और रोड कहाँ पर थे? नई दिल्ली में थे। और हमने केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र पढ़ा था, कहाँ पर था? देहरादून में। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था? देहरादून में। कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था? मुंबई में था। और ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था? धनबाद में था। धनबाद कहाँ पर है आपको याद होना चाहिए बच्चों? झारखंड। आगे आता है बच्चों आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? शिमला में रहेगा। आलू आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा बच्चों? शिमला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? शिमला। आलू में लू, आलू में क्या नजर आ रही है? लू। और लू से बचना है तो कहाँ चले जाओ? शिमला चले जाओ। आलू में लू, लू से बचना है तो कहाँ चले जाओ? शिमला। आलू में लू, लू से बचना है तो कहाँ चले जाओ? शिमला। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? शिमला। शिमला में ठंड पड़ती है ना। आलू में लू, लू से बचना है, कहाँ चले जाओ? शिमला। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? शिमला में हो जाएगा। एक बार आया था बच्चों गन्ना प्रजनन केंद्र, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में। गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा बच्चों? ये कोयम्बटूर में। कोयम कोयम्बटूर में रहेगा। ये कहाँ पर रहेगा? तमिल
नाडु में, ठीक है। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? कोयम्बटूर तमिलनाडु में रहेगा। याद ना रहे तो टेंशन मत लेना। गन्ना, गन्ना का, गन्ना किस में लगता है बच्चों? खेत में। और गन्ने के खेत में क्या रहती है? कोयल रहती है। कोयल बच्चों शहरों में नहीं रहती, कोयल गांव के खेतों में रहती है। कोयल की बड़ी सुरीली आवाज़ होती है। तो गन्ना, गन्ना के खेतों में क्या रहेगी? कोयल रहेगी। गन्ना के खेतों में क्या रहेगी? कोयल। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा बच्चों? कोयम्बटूर में हो जाएगा। गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर हो जाएगा? कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर कहां पर रहेगा बच्चों? तमिलनाडु में। यहाँ पर कौन सा प्रजनन केंद्र है बच्चों? गन्ना प्रजनन केंद्र है। एक बार आया था चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा, इम्पोर्टेंट है बच्चों। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? कटक उड़ीसा में रहेगा। चावल, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? कटक। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा। नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का जन्म भी कटक उड़ीसा में हुआ था। चावल अनुसंधान, याद करना तो मुश्किल ही नहीं है। चावल, चावल को खाओगे ना, चावल को सीधे आप है ना, चावल को खाना, तो चावल को खाओगे तो आवाज़ कैसी आएगी? टक टक। चावल को तोड़ोगे ना दांत के नीचे, आवाज़ कैसी आएगी? टक। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो गया? कटक में। चावल को खाओगे आवाज़ कैसी आएगी? टक। चावल को खाओगे आवाज़ कैसी आएगी? टक। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो गया? कटक उड़ीसा में हो गया। और गन्ने के खेत में क्या रहेगी? कोयल। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो गया? कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो गया। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन आया था एक बार चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में, चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? कानपुर में। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? कानपुर में रहेगा। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? कानपुर में रहेगा। इम्पोर्टेंट बात है, चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा बच्चों? कानपुर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? कानपुर में रहेगा। अब बच्चों चीनी में हमें क्या नज़र आ रहा है? चीन। क्या नज़र आ रहा है? चीन। चीनी में क्या नज़र आ रहा है? चीन। और बच्चों भारत है ना, जब भी मतलब वीटो पावर लेना चाहता है ना, तो बच्चों किसके कान है ना वो खड़े नहीं होते। कौन अपने कानों से भारत की बात को अनसुना कर देता है? चीन कर देता है। भारत जब भी कहता है, और देश कहते हैं भारत को वीटो पावर मिल जाए, लेकिन चीन है ना वो कानों से सुनकर इस बात को क्या कर देता है? अनदेखा कर देता है। तो चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। चीनी में चीन, और चीन है ना भारत के विटो पावर की बात को सुनते ही कान से सुन लेता है, लेकिन क्या कर देता है? अनदेखा कर देता है। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों सिरसा अनुसंधान केंद्र कोलकाता में है। सिरसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोलकाता में। सिरसा, सिरसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? कोलकाता में रहेगा। सिरसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? कोलकाता में रहेगा। इम्पोर्टेंट है बच्चों, सिरसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? कोलकाता में। कौन सा अनुसंधान केंद्र रहेगा? सिरसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? कोलकाता में रहेगा। याद करना बच्चों मुश्किल नहीं है, याद करना क्या नहीं है? मुश्किल नहीं है। काल का, कोलकाता में काल नजर आ रहा है? काल। हर एक मनुष्य किसका अंश? काल के चक्कर में पड़ जाता है। काल आता है ना तो मनुष्य का ना जीवन है ना उसी टाइम रुक जाता है। तो हमें है ना काल को शीश झुकानी चाहिए, काल को हमें याद करना चाहिए, काल को हमें हर टाइम क्या करना चाहिए? शीश झुकानी चाहिए, कि हमें काल को याद रखना चाहिए। याद रखने का मतलब है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, यानी शीशा। या वैसे याद कर सकते हो शीशे को ना, मतलब शीशा देखते ही ना हम है ना कॉल करते हैं। क्या करते हैं? कॉल करते हैं। कॉल करते हैं किसी और को, कॉल करते हैं शीशे को देखकर कि मैं क्या लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। वैसे बच्चों शीशा है, कभी झूठ नहीं बोलता। आपकी ना हमारी रियल शक्ल बता देता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे, फिर भी फीलिंग ले लेते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। क्या लग रहा हूँ? अच्छा। या शीशा मतलब कॉल में काल, और काल को हमें है ना शीश झुकाना चाहिए। काल महाकाल, महाकाल यानी भगवान शिव को हमें क्या झुकाना चाहिए? कालों के काल क्या है? महाकाल। तो महाकाल को हमें क्या झुकाना चाहिए? तो सिरसा अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। एक बार आएगा वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण अनुसंधान केंद्र चंडीगढ़ में, वैज्ञानिक उपकरण अनुसंधान केंद्र
वैज्ञानिक वैज्ञानिक उपकरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। वैज्ञानिक उपकरण केंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। चंडीगढ़ में कौन सा केंद्र हो जाएगा बच्चों? वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? चंडीगढ़। तो बच्चों याद कैसे करोगे? वैज्ञानिक, किस वैज्ञानिक ने चंडीगढ़ को बसाया था? ली कार्बुजियस ने बसाया था। किसने बसाया था? ली कार्बुजियस ने बसाया। हरियाणा जीके ने यह क्वेश्चन पूछा था, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बुजियस था। एक बार क्वेश्चन में आया ली कार्बुजियस कहाँ से था, तो ली कार्बुजियस कहाँ से था? फ्रांस से था। ली कार्बुजियस का संबंध कहाँ से था? फ्रांस। तो वैज्ञानिक, तो किस वैज्ञानिक ने चंडीगढ़ को बसाया? ली कार्बुजियस ने। और ली कार्बुजियस कहाँ से था बच्चों? फ्रांस से था। तो HSSC के ये दो क्वेश्चन आपको और याद हो जाएंगे। वैज्ञानिक उपकरण के अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट है बच्चों, एक है जूट अनुसंधान केंद्र, ये भी कोलकाता में। जूट, जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता में हो जाएगा। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? कोल, जूट को पढ़ेंगे बच्चों, जूट, जूट को क्या पढ़ेंगे? जूट। और जूट हम कब बोलते हैं? जब हम क्या करते हैं? कॉल। किसी को कॉल करेंगे ना तो क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। मतलब किसी को कॉल करते ही ना, चाहे घर पे बैठे हैं, कोई दोस्त की कॉल आ गई, अरे भाई कहाँ पर है, मेरी बस स्टैंड पर लड़ाई हो गई है, तो हम झूठ बोलेंगे। बोला भाई मैं तो है ना चंडीगढ़ गया हूँ एग्जाम देने के लिए। और हम चाहे ना कई कबार तो ना दोस्त ऐसी झूठ बोल देता है कि बच्चों हैरान करने वाली झूठ भी झूठ भी बोल देते हैं। हमने लैंड लाइन पे कॉल किया, कहाँ है भाई? बोला चंडीगढ़ हूँ। अरे ये तो सोच ले कि कॉल किस पर आई है, लैंड लाइन पर। सॉरी बच्चों, झूठ, झूठ किस पर बोलते हैं हम? कॉल, कॉल करते ही हम क्या बोलेंगे? झूठ। जब से फोन आया है ना बच्चों, तब से झूठ बोलने का क्या स्टार्ट हो गया है? सिलसिला स्टार्ट है हो गया। जब से फोन आया तो किसका सिलसिला स्टार्ट हो गया है? झूठ बोलने का सिलसिला। तो झूठ, झूठ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? कोलकाता में। याद हो रही है ना बच्चों? साथ साथ इस हिसाब से चीज़ों को याद करते जाना। आगे आता है बच्चों, भूभौतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद। भूभौतिक, भूभौतिक यानी जमीन के भीतर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। भू मतलब हैदरा, हैदराबाद में हो जाएगा। भूभौतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, याद कैसे करोगे? भू से भूमि क्या याद कर लोगे? भूमि। और भूमि पर किसी टाइम में ना सबसे शक्तिशाली शासक कौन होता था? हैदर अली होता था। कौन होता था? हैदर अली। वो भारतीय राजा था बच्चों जिसने ना किसको हरा दिया था? अंग्रेजों को। पहले आंगल में सूर्य युद्ध में हैदर ने किसको हरा दिया? अंग्रेजों को। तो इस भूमि पर सबसे शक्तिशाली भारतीय राजा कौन होता था किसी टाइम में? हैदर होता था। भू पर कौन शक्तिशाली होता था? हैदर। तभी तो उसने अंग्रेजों को हराया था ना। तो भूभौतिक अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। एक बार आया था बच्चों, वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। वनस्पति अनुसंधान केंद्र इम्पोर्टेंट है बच्चों। वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? लखनऊ में। वनस्पति, वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ। तो जो वन होते हैं ना बच्चों, वन है ना वो लाखों के होते हैं। लखनऊ को क्या पढ़ेंगे? लाखों। वन कैसे होते हैं? लाखों के होते हैं। मतलब एक पेड़ आपने काट दिया ना बच्चों, तो लाखों का नुकसान हो गया।
पेड़ है ना, पेड़ पौधे हैं ना बच्चों, हमारे पर्यावरण का क्या करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं। तो वनों की कीमत हम लाखों में भी नहीं चुका सकते। तो वन कैसे होते हैं लाखों के, और हमने इम्पोर्टेंट है बच्चों, वन कैसे होते हैं लाखों के। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र के कहाँ पर था, वो तो देहरादून में था, लेकिन वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, लखनऊ में। वन कैसे, कितनों के, वन की कीमत किस में नहीं चुका सकते बच्चों, हम लाखों में नहीं चुका सकते। तो वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा बच्चों, लखनऊ में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, लखनऊ में। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, भोजन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, भोजन भोजन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र इम्पोर्टेंट है बच्चों। भोजन अनुसंधान ये कहाँ पर हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। मैसूर जो हमारा कहाँ पर है, कर्नाटक में कहाँ पर है, कर्नाटक। भोजन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक। याद कैसे करोगे बच्चों, हमें है ना आजकल एक विज्ञापन चलता है, इतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में, इतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। याद कैसे करोगे, जो आजकल है ना हम भोजन मतलब घर पे बच जाता है तो हम भोजन को किसको डाल देते हैं, सुअर को डाल देते हैं। भोजन बासी भोजन को किसको डाल देते हैं, सुअर को। बासी भोजन को किसको डाल देते हैं, सुअर को। तो भोजन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, मैसूर में। भोजन को किसको डाल देते हैं, सुअर को। तो भोजन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा। एक बार आया था पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, ये नागपुर में रहेगा। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, नागपुर में रहेगा। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, नागपुर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, नागपुर में रहेगा। पर्यावरण का मतलब होता है बच्चों, पर्यावरण में सारी चीज़ें आती हैं ना, पेड़ पौधे भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं ना, वन भी आते हैं। तो पर्यावरण में कौन रहता है, नाग रहता है। पर्यावरण में कौन रहता है बच्चों, नाग भी कहाँ पर रहता है, पर्यावरण में रहता है। कई तो बच्चों आस्तिक के नाग होते हैं, आस्तिक के सांप होते हैं, जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं। भगत सिंह कहता है बच्चों, हमें ना दुश्मनों से डर नहीं है, हमें दोस्तों से डर है। दुश्मन से तो हम निपट लेंगे, लेकिन दोस्त के अंदर जो दुश्मन छिपा है ना, उससे हमें क्या लगता है, डर। तो पर्यावरण में क्या रहते हैं, नाग रहते हैं। पर्यावरण में क्या रहेंगे, नाग। तो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, नागपुर में हो जाएगा। एक बार आया था बच्चों, बीरबल सहमी अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ में है। बीरबल सहमी अनुसंधान केंद्र, बीरबल सहमी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ। ये किस, जमीन में दबे अवशेषों की जांच करता है, ये जमीन में दबे अवशेषों की जांच करता है। ये किसकी जांच करता है बच्चों, जमीन में दबे अवशेषों की जांच कौन करता है, बीरबल सहमी अनुसंधान केंद्र। याद कैसे करोगे बच्चों, जमीन में दबे अवशेषों की, बीरबल राजा था ना, क्या था बच्चों, बीरबल अकबर के अधीन में से सेनापति था, और बीरबल को अकबर ने एक छोटा सा राजकार्य भी सौंपा था। तो लखनऊ को किसका शहर कहते हैं बच्चों, नवाबों का शहर। किसका शहर कहते हैं, तो नवाब कौन था, अकबर के दरबार का मुख्य नवाब कौन था, बीरबल था। तो बीरबल सहमी कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। बीरबल की कीमत है ना, अकबर लाखों में भी नहीं चुका सकता था, याद ऐसे याद कर सकते हो। और ये किसकी जांच करता है, जमीन में दबे अवशेषों की जांच करता है। एक बार आया था फिल्म एंड टेलीविजन अनुसंधान केंद्र, पुणे महाराष्ट्र में। फिल्म एंड टेलीविजन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, पुणे में। फिल्म एवं टीवी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, पुणे में रहेगा। पुणे कहाँ पर रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा। याद कैसे करोगे, फिल्मों में हमें किरदार कैसे निभाने होते हैं, पूर्ण निभाने होते हैं। फिल्मों में किरदार अगर अच्छे से, फिल्म और टीवी पर हम किरदार अच्छे से नहीं निभाएंगे ना, तो फिर फायदा नहीं है ना। कहते हैं ना बच्चों, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए और तालियां
बस्ती रहे। तो पुणे पूर्ण 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 किस में लोग फिल्मों में किरदार कैसे निभाना पड़ता है, पूर्ण पूर्ण से क्या हो जाएगा, पुणे पुणे कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। एक बार आया था हीरा अनुसंधान केंद्र, ये सूरत में है। हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, सूरत में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बच्चों, हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा बच्चों, सूरत में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, सूरत। याद करना मुश्किल नहीं है, आप दो दोस्त जा रहे थे रास्ते में और एक दोस्त को क्या मिल गया, हीरा मिल गया। और हीरा मिलते ही ना वो दोस्त वहाँ से भाग गया और उसने अपनी सूरत आपको नहीं दिखाई। बच्चों दोस्त कितने भी अच्छे हो ना, पैसों के पैसे के आते ही दोस्ती बिगड़ जाती है। पुराने टाइम में बुजुर्ग कहते थे, अगर आपका दुश्मन नहीं है ना कोई, पैसे दे दो अपने आप दुश्मन बन जाएगा। हीरा मिलते ही है ना दोस्त ने अपनी हमें सूरत भी नहीं दिखाई। तो हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, सूरत, ये गुजरात में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, गुजरात में रहेगा। अब इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये हमने 25 अनुसंधान केंद्र पढ़े थे। मुश्किल कुछ भी नहीं है बच्चों, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जैसे केंद्रीय वन अनुसंधान पढ़ा था, वन कैसा होता है, हरा, तो देहरादून हो गया था। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी बच्चों, मतलब पेट्रोलियम की मतलब गाड़ी भरी हुई मिल जाए तो हम कैसे हो जाते हैं, हरे, देहरादून हो गया था। कैंसर में सर, और सर कैसे होते हैं, महान, मुंबई में हो गया था। पशु प्रजनन केंद्र इंसार में हो गया था। डेयरी, नेशनल डेयरी वाला करनाल में हो गया। ट्यूबरकुलोसिस वाला कहाँ पर हो गया था बच्चों, बेंगलुरु में हो गया था। कहाँ पर हो गया, बेंगलुरु। इस प्रकार से बच्चों अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं, देश और उसके नए नाम। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, देश और उसके नए नाम। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, विनोद जी मार्कर देना, देश व उनके नए नाम। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें इंक डाल दो, देश व उनके नए नाम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों, देश व उनके नए नए नाम। मतलब जैसे बच्चों बांग्लादेश का आ जाता है, जिम्बाब्वे का आ जाता है, तो ये ना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। जैसे बर्मा, बर्मा का पुराना नाम बर्मा, ये बच्चों इसका नया नाम क्या है, म्यांमार। क्या है, म्यांमार, म्यांमार। ये तो है बच्चों पुराना नाम, और ये कौन सा नाम रहेगा, नया नाम। एक क्वेश्चन बच्चों आज तक यहाँ से आए हैं, और हमने ना ज़्यादा वही उठाए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा हम नहीं उठाते जी। जब बार बार SSC HSSC रिपीट करती है वही क्वेश्चन उठाते हैं। बर्मा का नया नाम क्या रहेगा बच्चों, म्यांमार रहेगा। क्या रहेगा, बर्मा का म्यांमार। याद ना रहे माँ, बर्मा में क्या नज़र आ रही है, माँ। और माँ है ना वो अपने बच्चों को कभी मारती है, और मारती किस लिए है, उनको सुधारने के लिए। अब बच्चों बच्चे को ना बचपन में हम देखते थे माँ हमें मारा करती थी, फिर भी बच्चों जब हमें चोट लगती थी ना तो हम पापा के पास नहीं जाते थे, माँ के पास जाते थे। माँ कितना भी मार ले, और बच्चों आपको मार करना, माँ कभी खुश नहीं होती है। अकेले में कोने में जाकर बच्चों माँ रोती भी थी। माँ अकेले में कोने में जाकर क्या करती थी, माँ रोती थी। बच्चों जीवन में ना एक बार ऐसा टाइम आता है जब बच्चा रोता है और माँ हंसती है, और वो टाइम होता है बच्चे के जन्म के समय में। बच्चे का जब जन्म देती है माँ ना, तब बच्चा तो रो रहा होता है और माँ हंस रही होती है कि तेरे घर ना एक तेरा नया लाल आया है। और उसके बाद बच्चों जीवन में ऐसा कभी टाइम नहीं आता जब बच्चा रोता हो और माँ हंसती हो, ऐसा कभी नहीं होता। गालिब माँ पर एक बात कहा करते थे, मैं कमा कर उतने पैसे भी ना दे पाया अपनी माँ को, मैं कमा कर उतने पैसे भी ना दे पाया अपनी माँ को जितने पैसों से माँ मेरी बचपन में नज़र उतारा करती थी। तो बच्चों माँ की कीमत है ना वो अनमोल होती है। तो माँ अपने बच्चों को मारती भी है, क्या करने के लिए, समझाने के लिए। तो बर्मा का नया नाम क्या रहेगा, म्यांमार रहेगा। क्या रहेगा, म्यांमार। अब आया था बच्चों एक बार अबसीनिया, अबसीनिया का अब नाम है इथोपिया। अबसीनिया, अबसीनिया एक कंट्री है इस, अबसीनिया, अबसीनिया को अब क्या कहा जाता है बच्चों, इथोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इथोपिया। वो कंट्री है बच्चों जहाँ से ना लोग है ना कुपोषण के कारण सबसे ज़्यादा बच्चे है ना कुपोषण के कारण सबसे ज़्यादा
कहाँ पर मरते, इथोपिया। इसीलिए बच्चों भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को, भारत का इथोपिया किसे, ये क्वेश्चन बार बार आता है बच्चों, रट लेना लिख लेना, भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, महा ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश सोया स्टेट है, लेकिन फिर भी बच्चों यहाँ लोग कुपोषण से सबसे ज़्यादा मरते हैं। याद कैसे करोगे, अबसीनिया, अबसीनिया, ये सीनिया है ना किसी लड़की का नाम था, और लड़की की क्या हो गई, शादी। तो अब सीनिया किसके घर रहेगी, अपने पिया के घर रहेगी। शादी के बाद छोड़ेंगे नहीं ना, शादी के तो वेट कर रहे हैं, और वेट करने के बाद शादी हो तो फिर हम मतलब उसे अपने पास ही रखेंगे ना। कि अब सीनिया, अब ना सीनिया नामक लड़की कहाँ पर रहेगी, अपने पिया के घर रहेगी। शादी के बाद तो पिया के घर ही रहेगी, अब सीनिया किसके घर रहेगी, अपने पिया के घर। तो अब सीनिया पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या है, इथोपिया। होलैंड, होलैंड का, होलैंड पुराना नाम था, उसका नया नाम है नीदरलैंड। होलैंड, होलैंड का नया नाम क्या रहेगा बच्चों, नीदरलैंड रहेगा। होलैंड का नया नाम क्या रहेगा, नीदरलैंड। होलैंड पुराना नाम है, नया नाम क्या रहेगा, नीदरलैंड। देखो होलैंड में भी लैंड और नीदरलैंड में भी लैंड, लैंड लैंड से याद कर लेंगे। होलैंड का पुराना नाम क्या रहेगा, और होलैंड में ना निवासियों को पुराने टाइम में डच कहा जाता था। होलैंड के निवासियों को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था, डच कहा जाता था। यहाँ भी लैंड और लैंड से कनेक्शन कर लेंगे। होलैंड का पुराना नया नाम क्या है, नीदरलैंड। एक बार आया था पूर्वी पाकिस्तान, ये तो बच्चों आपको पता ही है ना। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। आज ही डिस्कस किया किसका पुराना नाम था, बांग्लादेश का, बांग्लादेश, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। याद कैसे करोगे, बांग्लादेश अलग ही किससे हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ। बांग्लादेश किससे अलग होकर बना, पाकिस्तान से, और इसका नाम हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। तो बच्चों इस हिसाब से चीज़ों को देखो। अबसीनिया, अबसीनिया किसके घर रहेगी, अपने पिया के, तो इथोपिया हो जाएगा। और बर्मा, बर्मा का नाम क्या रहेगा, म्यांमार। बर्मा में माँ माँ क्या करती है, मारती है। इस हिसाब से आप याद कर सकते हो। एक बार आया था उत्तर रोडेशिया, जाम्बिया, जाम्बिया, उत्तर रोडेशिया, उत्तर रोडेशिया, उत्तर रोडेशिया, इसका पुराना नया नाम क्या है, जाम्बिया। क्या नाम रहेगा, जाम्बिया रहेगा। उत्तर रोडेशिया का नाम क्या रहेगा, जाम्बिया रहेगा। उत्तर रोडेशिया का नाम क्या रहेगा, जाम्बिया। और दक्षिण रोडेशिया का नाम रहेगा जिम्बाब्वे। दक्षिण, दक्षिण रोडेशिया, ये सबसे ज़्यादा इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में कर लेना, दक्षिण रोडेशिया। ये तीन से चार बार आ गया, इसका नया नाम क्या है, जिम्बाब्वे। दक्षिण रोडेशिया का नया नाम क्या है, जिम्बाब्वे। और उत्तर रोडेशिया का नया नाम क्या है, जाम्बिया। क्या रहेगा, जाम्बिया। तो बच्चों जब आपको उत्तर नहीं आता ना, जब कोई सर पूछे कि भाई कल ये टॉपिक याद करके लाना, और जब आपको उत्तर ना आए तो टीचर कहता है जा जा बिया, यहाँ से बाहर निकल जा। उत्तर नहीं आता तो यहाँ से क्लास से बाहर जा। उत्तर ना आए तो क्या कहता है टीचर, यहाँ से क्लास से बाहर जा। तो उत्तर रोडेशिया का पुराना नया नाम क्या है, जाम्बिया। और दक्षिण रोडेशिया का जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में बच्चों बाबे नज़र आ रहे हैं, जिम्बाब्वे में क्या नज़र आ रहे हैं, बाबे नज़र आ रहे हैं। और आजकल बाबे किस पर आ गए हैं, रोड पर आ गए हैं। आजकल बाबे किस पर आ गए हैं, रोड पर आ गए हैं। तो जिम्बाब्वे का नया नाम क्या, पुराना नाम क्या था, दक्षिण रोडेशिया। उत्तर ना आए तो जा, उत्तर ना आए तो क्लास से बाहर जा। उत्तर रोडेशिया का जाम्बिया और दक्षिण रोडेशिया का जिम्बाब्वे। एक बार आया था मेसोपोटामिया, इराक। इराक का पुराना नाम क्या था, आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। इराक, इराक का पुराना नाम क्या होता था बच्चों, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया किसका पुराना नाम होता था, इराक का पुराना नाम क्या होता था, मेसोपोटामिया होता था। इराक का पुराना नाम क्या होता था बच्चों, मेसोपोटामिया होता था। मेसोपोटामिया किसका पुराना नाम होता था, इराक का पुराना नाम होता था। इराक में रॉक, और रॉक को क्या बोला जाता है बच्चों, चट्टान। रॉक को क्या बोला जाता है, चट्टान बोला जाता है। और चट्टान है ना वो है ना बच्चों, उसको पार करना मुश्किल होता है। मेसो, मेसोपोटामिया,
चट्टान को ना उसको पार करना है ना, उसको पाड़ना या उखाड़ना, उसको चट्टान को उखाड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। मेसोपोटामिया किसका नाम रहेगा, इराक का नाम रहेगा। इराक का पुराना नाम क्या था, मेसोपोटामिया होता था। तो चट्टान को ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाड़ना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। तो मेसोपोटामिया पुराना नाम है, नया नाम क्या रहेगा, इराक रहेगा। क्या रहेगा, रोक। रोक क्या होती है बच्चों, रोक को मेसो मुश्किल, मुश्किल से उखाड़ा जाता है। रोक को मेसो मुश्किल से उखाड़ा जाता है। तो मेसोपोटामिया का नया नाम क्या रहेगा बच्चों, इराक रहने वाला है। एक बार आया था श्याम, श्याम का नया नाम है थाईलैंड। पुराने टाइम में श्याम बोला जाता था और श्याम का नया नाम है थाईलैंड, यानी थाईलैंड का पुराना नाम क्या था बच्चों, श्याम था। क्या था, श्याम। ये तो बच्चों याद करना मुश्किल नहीं है, श्याम, श्याम भगवान, श्याम थारे हम क्या है, दीवाने हैं। दुनिया किसकी दीवानी है, श्याम की दीवानी है। कहते हैं ना, हमारी मेरी तो उनसे यारी है जिनकी दुनिया सारी है। तो श्याम बाबा की तो महिमा ही अलग है। तो श्याम थारी दुनिया क्या है, दीवानी है इस लैंड पर। श्याम थारी दुनिया इस लैंड पर क्या है, दीवानी। तो श्याम का पुराना नाम क्या हो जाएगा, नया नाम थाईलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बार आया था डच ईस्ट इंडीज, इंडोनेशिया का नाम था डच ईस्ट इंडीज। रख दो, डच ईस्ट इंडीज किसका पुराना नाम था, डच, ये आ चुका है बच्चों, डच ईस्ट इंडीज, डच, ये वेस्ट इंडीज नहीं है, डच ईस्ट इंडीज। इसका नया नाम क्या है, इंडोनेशिया। क्या नाम रहेगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था, डच ईस्ट इंडीज होता था। यहाँ इंडीज और यहाँ इंडोनेशिया, इंडीज से क्या कर लेंगे, इंडोनेशिया। थाईलैंड का क्या था, श्याम, श्याम थारी दुनिया क्या है, दीवानी है। एक बार क्वेश्चन आया था पीकिंग, बीजिंग का पुराना नाम क्या होता था, पीकिंग होता था। पीकिंग, पीकिंग, पीकिंग किसका पुराना नाम होता था, बीजिंग। बीजिंग का पुराना नाम क्या होता था, पिकिंग होता था। इम्पोर्टेंट है बच्चों, बीजिंग का पुराना नाम क्या होता था, पिकिंग होता था। क्या होता था, किंग। पिकिंग में क्या नजर आ रहा है, किंग। और किंग बच्चों, किंग माने राजा होता है ना, और राजा कैसा रहता है, बिजी रहता है। पिकिंग में किंग, और किंग कैसे रहता है, सारा दिन बिजी रहता है। पिकिंग में किंग, किंग कैसे रहता है, बीजिंग, बिजी रहता है। तो बीजिंग का पुराना नाम क्या था बच्चों, पीकिंग। ये आए हुए क्वेश्चन सारे आपको करवा रहे हैं। एक बार आया था जावा का पुराना नाम क्या था, सुवर्णद्वीप, सवर्णद्वीप, सवर्णद्वीप। जावा, जावा का पुराना नाम क्या होता था, सवर्ण द्वीप होता था। सवर्णद्वीप या सुवर्णद्वीप किसका नाम होता था, जावा। सवर्ण मीन बच्चों होता है सोना, और सोना मिलते ही ना कोई आपका दोस्त है ना वो आपसे दूर जावा, सोना मिलते ही कहता है दूर चला गया, दूर जावा। सोना मिलते ही आपका दोस्त आपसे दूर जा, दूर चला गया, चला। हरियाणवी में कहते हैं ना दूर मैं जावा, जावा मतलब चले जाना। सोना मिलते ही वो आपसे दूर जा जा बैठा, सोना मिलते ही वो आपसे कहाँ जा बैठा, दूर जा बैठा। तो इम्पोर्टेंट है स्वर्णद्वीप का पुराना नाम, नया नाम क्या है, जावा है। क्या रहेगा, मेसोपोटामिया, इराक। रोग को मुश्किल से उठाते हैं ना। एक बार आया था बच्चों बताबिया, जकार्ता का, जकार्ता का, जकार्ता का पुराना नाम क्या था, बताबिया। जकार्ता, जकार्ता का पुराना नाम क्या होता था, बताविया होता था, बताविया होता था। जकार्ता का पुराना नाम क्या होता था, बताविया होता था। इम्पोर्टेंट है बच्चों, जकार्ता का पुराना नाम क्या होता था, बताविया होता था। क्या होता था, बताविया होता था। इम्पोर्टेंट है, आज जकार्ता बोलते हैं, पुराना नाम क्या होता था इसका, बताविया होता था। अब इम्पोर्टेंट है बच्चों जकार्ता, जकार्ता इम्पोर्टेंट है। जकार्ता में क्या नज़र आ रही है, कांता। क्या नज़र आ रही है, कांता। और कांता मतलब कोई भाई किसी से कांता नाम की लड़की से शादी करता था, और भाई पर ना एक दिन क्या हो आ गई, मुसीबत आ गई। तो हम कॉल करके हमने कहा कि बता भाई, बता भैया, बता भाई मेरे को कहाँ आना है। जो सच्चे दोस्त होते हैं ना अपने दोस्तों के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। जकार्ता में कांता, और कांता से वो शादी करना चाहता था, अपने दोस्त को कॉल की, तो दोस्त कहता है बता भैया कहाँ पर आना है। तो बता भैया किसका पुराना नया नाम है, अभी इसका जकार्ता का पुराना नाम होता था बता भैया।
एक बार आया था बच्चों फ्रांसीसी सुडान, आजकल माली बोलते हैं फ्रांसीसी सुडान, फ्रांसीसी सुडान, माली, फ्रांसीसी सुडान, फ्रांसीसी सुडान, फ्रांसीसी सुडान, आज क्या बोलते हैं इसको, माली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माली बोलते हैं, फ्रांसीसी सुडान, फ्रांसीसी सुडान का नया नाम क्या है, माली, क्या नाम है, माली, इम्पोर्टेंट है बच्चों, फ्रांसीसी सूडान का नया नाम क्या रहेगा, माली रहेगा, याद करना मुश्किल नहीं है, याद करना मुश्किल नहीं है, माली है ना वो गार्डन की क्या कर रहा था, सफाई, और सफाई करते हुए ना उसको क्या मिल गई, सीसी मिल गई, क्या मिल गई, सीसी मिल गई, रात को फिलिंग के चक्कर में कोई मतलब सीसी कोई लिक्विड वाली आपने छोड़ दी होगी, और वो किसको मिल गई, माली को, माली रफू चक्कर हो गया फिलिंग लेने के चक्कर में, तो माली को क्या मिल गई, सीसी मिल गई, सीसी किसको मिल गई, माली, और माली फरार हो गया, तो फ्रांसीसी सूडान का नया नाम क्या रहेगा, माली रहेगा, क्या रहेगा, एक है गोल्ड कोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, गोल्ड कोस्ट गाना, गाना का पुराना नाम क्या होता था, गोल्ड कोस्ट होता था, गोल्ड, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, इसको वर्तमान में क्या बोला जाता है बच्चों, गाना बोला जाता है, घाना बोला जाता है, घाना बोला जाता है, याद कैसे करोगे, गोल्ड माने सोना, सोना आजकल घना महंगा है, सोना आजकल क्या है, घना महंगा है, गोल्ड माने सोना, सोना घना महंगा है, तो गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है, घाना रहेगा, क्या रहेगा, घाना, एक बार आया था आयरिश फ्री स्टेट, आयरिश फ्री स्टेट को ना पुराने नया नाम है आयरलैंड, आयरलैंड, आयरिश फ्री स्टेट, पुराना नाम क्या होता था बच्चों इसका, आयरिश फ्री स्टेट होता था, आयरिश फ्री स्टेट, और ये मतलब ये किसका पुराना नाम था, आयरलैंड का पुराना नाम था, आयरिश से आयरलैंड बन जाएगा ना, आयरिश से क्या बन जाएगा, आयरलैंड, आयरिश से क्या बन जाएगा, फ्रांसीसी का क्या नाम था, माली, इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्रांसीसी का क्या नाम, सूडान का क्या होता था, माली होता था, पर्सिया, ईरान, पर्सिया, 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 नया नाम क्या है बच्चों इसका, ईरान, क्या नाम रहेगा, इराक का तो मेसोपोटामिया था, ईरान का क्या रहेगा, पर्सिया, पर्सिया में सिया नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, सिया, और सिया क्या थी, रानी थी, सिया क्या थी, रानी, लड़कियां रानी ही होती है ना, सिया क्या होती है, रानी, सिया क्या थी, रानी, पर्सिया का नया नाम क्या है, ईरान है, और एक बार आया था बच्चों श्रीलंका का पुराना नाम पूछ लिया, सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों, श्रीलंका का पुराना नाम ये आ चुका है, रट लेना, सिलोन, सिलोन किसका पुराना नाम था, श्री लंका का पुराना नाम था सिलोन, सिलोन किसका पुराना नाम था, श्रीलंका का, अब लंका जैसे रावण की तो लंका थी, हम क्या बोल देते हैं उस लंका को, घर बोल देते हैं, रावण के लिए तो सारी लंका थी, और इंसान के लिए लंका क्या होती है, घर होती है, और आजकल इतनी महंगाई हो गई है, हम अपना घर भी किस पर बनाते हैं, लोन, लोन पर लंका, लोन पर लंका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या होता था, सिलोन होता था, एक बार आया था बच्चों ताइवान का पुराना नाम क्या था, फार्मोसा, ताइवान का पुराना नाम क्या होता था, फार्मोसा होता था, ताइवान का पुराना नाम क्या होता था, फार्मोसा होता था, फार्मोसा किसका पुराना नाम होता था, ताइवान का पुराना नाम क्या होता था, फार्मोसा होता था, याद करना मुश्किल नहीं है, फार्मोसा, इसमें समोसे वाली फीलिंग आ रही है, समोसा, समोसा किसको पसंद था, ताई को, ताई को क्या पसंद था, समोसा पसंद था, फार्मोसा, समोसा, समोसा किसको पसंद था, ताई को, तो फार्मोसा किसका मतलब ये पुराना नाम था, ताइवान का, एक बार आया था बच्चों मल्ले सावा, ये मलेशिया का, मल्ले सावा, मल्ले सा वा, ये किसका पुराना नाम था, मलेशिया का पुराना नाम था, मैं से मल्ले और मैं से मलेशिया, मलेशिया का पुराना नाम क्या था, मल्ले सावा, तो बच्चों ये हमने ना उस देश और उनके पुराने नाम वो पढ़े हैं जो आज तक एग्जाम में आए हैं, इम्पोर्टेंट है, अब बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और पढ़ते हैं, जहाँ से ना क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, आज हमने बच्चों ऐसी सीरीज स्टार्ट की है ताकि है ना कोई भी क्वेश्चन है ना आपसे, अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों प्रसिद्ध व्यक्ति व उपनाम से क्वेश्चन आता है, किससे आता है बच्चों, प्रसिद्ध व्यक्ति व
उपनाम से एक क्वेश्चन आता है, जिसे राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान को किसकी उपाधि मिली थी, आज वो सारी चीज़ें याद करेंगे। प्रसिद्ध व्यक्ति वह उपनाम कौन सा टॉपिक रहेगा बच्चों? प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति वह उपनाम, प्रसिद्ध व्यक्ति वह उपनाम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। प्रसिद्ध व्यक्ति वह उपनाम का टॉपिक आज रहने वाला है, जिसे बच्चों खान अब्दुल गफार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता था। खान अब्दुल गफार खान, इनको क्या कहा जाता था बच्चों? सीमांत गांधी कहा जाता था। खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी और बादशाह खान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी और बादशाह खान किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफार खान को। खान अब्दुल गफार खान को क्या कहा जाता था? खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता था। याद करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस खान अब्दुल गफार खान का मतलब पूरा, इनको क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी, यानी जब महात्मा गांधी कहते हैं बच्चों, जब जेल में थे ना, तो सीमाओं जो सीमा पर लोग होते थे ना, उस तक गांधी के विचारों को किसने पहुंचाया था? खान अब्दुल गफार खान ने पहुंचाया था, इसलिए इनके नाम क्या पड़ गया? सीमांत गांधी पड़ गया। इम्पोर्टेंट है बच्चों, खान अब्दुल गफार का पुराना नाम क्या होता है, इनको कौन सी उपाधि मिली थी? सीमांत गांधी की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। एक है आंध्र केसरी, किसको कहा जाता है? टी प्रकाशम को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, टी प्रकाशम, टी प्रकाशम, टी प्रकाशम इंपॉर्टेंट है। आंध्र केसरी, आंध्र आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम को। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था बच्चों? लाला लाजपत राय को कहा जाता था। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था। टी प्रकाशम किसको कहा जाता था? आंध्र केसरी को। टी प्रकाशम को क्या कहा जाता था? आंध्र केसरी। अब बच्चों प्रकाश, प्रकाश नजर आ रहा है, प्रकाश कब काम करेगा? जब क्या हो? अंधेरा हो। अब दिन में बच्चों लाइट जगा रखी है, कोई फायदा ही नहीं है ना, प्रकाश का फायदा कब होगा? जब अंधेरा हो। पंजाब केसरी तो आपको पता ही है, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। अब बच्चों इंपॉर्टेंट है, सी एन एंड्रयूज को ना दीन बंधु की उपाधि मिली थी। सी एन एंड्रयूज, सी एन एंड्रयूज को कौन सी उपाधि मिली थी? दीन बंधु की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? दीन बंधु की उपाधि मिली थी। एक इनको उपाधि मिली थी बच्चों अन्ना की। किसकी उपाधि मिली थी? अन्ना की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? अन्ना की उपाधि मिली थी। सी एन एंड्रयूज को बच्चों दीन बंधु की भी उपाधि मिली थी, और किसकी उपाधि मिली थी? अन्ना की उपाधि मिली थी। वैसे दीन बंधु की है ना हरियाणा में उपाधि मिली थी। सर छोटू राम को भी क्या कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है। वैसे दीन बंधु किसको बोला जाता है बच्चों? सी एन एंड्रयूज को क्या बोला जाता है? दीन बंधु बोला जाता है। सी एन एंड्रयूज को क्या बोला जाता है? दीन बंधु। खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी और बादशाह खान बोला जाता है, और टी प्रकाशम को आंध्र केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है, और सी एन एंड्रयूज को दीन बंधु और अन्ना, और हरियाणा में सर छोटू राम को दीन बंधु की उपाधि मिली। जवाहरलाल नेहरू को उपाधि मिली थी चाचा की। किसकी उपाधि मिली थी? चाचा। उपनाम उनका क्या था? चाचा, लिख लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोग प्यार से क्या बोलते थे? चाचा बोलते थे। क्या बोलते थे? और इनका 14 नवंबर को, इम्पोर्टेंट है बच्चों, 14 नवंबर को बाल दिवस इनके याद में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग क्या बोलते थे? चाचा बोलते थे। एक बात आया था बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी, इनको कौन सी उपाधि मिली थी? मोहन दास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को है ना किसकी उपाधि मिली थी? महात्मा की उपाधि मिली थी। अर्ध नंगा फकीर कहा जाता था, महात्मा गांधी की उपाधि मिली थी। अर्ध नंगा फकीर कहा जाता था, राष्ट्र पिता कहा जाता था, और एक इनको उपाधि मिली थी बच्चों बापू, इनको क्या कहा जाता है? बापू।
ये इनको उपनाम है बच्चों। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था? महात्मा। ये क्वेश्चन आ गया, रट लेना। और इनको अर्ध नंगा फकीर है ना, ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। और इनको राष्ट्रपिता है ना, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा था? राष्ट्रपिता था कहा था। ये बातें बच्चों आपको याद है रखनी है। आगे आया लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को बच्चों स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है बच्चों? स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों इन्होंने 1882 में ना ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी इन्होंने। ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी 1882 में इन्होंने। किसकी स्थापना की थी? ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी। और इन्हें स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक। स्थानीय स्वशासन का मतलब है स्थान के लोगों का, सब माने खुद का शासन। स्थान के लोगों का खुद का शासन क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन। इसका जनक किसे कहा जाता था बच्चों? लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। किसको कहा जाता था इसका जनक? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता था? गुरुदेव कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चों क्या कहा जाता था? गुरुदेव। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा उपनाम था? रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था बच्चों? गुरुदेव था। क्या था इनका उपनाम? गुरुदेव था। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, समुद्रगुप्त इनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है बच्चों? भारत का नेपोलियन। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्योंकि बच्चों समुद्रगुप्त है ना, इसने आर्य साइड और दक्षिणावर्त साइड 12 और 9 विजय हासिल की थी, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन है ना, ईरान का नेपोलियन ये नादिर शाह को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? नादिर शाह को कहा जाता था। और भारत का नेपोलियन किसे कहते थे? समुद्र गुप्त को कहते थे। एक बार क्वेश्चन आया था, नागा अर्जुन को क्या कहते हैं? भारतीय आइंस्टीन। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन यानी अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे और पुराने टाइम का नागार्जुन, इसीलिए नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर इनका नाम पड़ गया, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को ना कई उपाधि मिली थी। वल्लभ भाई पटेल को ना सरदार कहा। किसकी उपाधि मिली थी? सरदार। और इनको सरदार की उपाधि 1928 में किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने, महात्मा गांधी के कहने पर बारदोली की महिलाओं ने इनको कौन सी उपाधि दी? सरदार की उपाधि। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है इनको? बिस्मारक भी का, भारत का बिस्मारक सरदार। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? वल्लभ भाई पटेल को। सरदार, लौह पुरुष और भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मारक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, ये तो पढ़ लिया, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। आगे आया था अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है बच्चों? तोता ए हिंद यानी हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है बच्चों? तोता ए हिंद
हिंद कहा जाता है, और यानी हिंद का तोता कहा जाता है। एक बार ये आया था, अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद असन था। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या होता था? मोहम्मद असन होता था। इन्होंने ही तबले और ढोलक का क्या किया था? इन्होंने आविष्कार किया था। किसने किया? अमीर खुसरो। और कितने राजाओं के यहाँ दरबार में काम किया था? 8 राजाओं के दरबार में इन्होंने काम किया था। अमीर खुसरो की पुस्तक आई थी बच्चों एक बार, लैला मजनू। कौन सी पुस्तक पूछी गई थी? लैला मजनू। काफ़ी फेमस हुई थी। और तुगलक नामा, लैला मजनू और तुगलक नामा। अमीर खुसरो की लैला मजनू तो बच्चों वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी, और लैला मजनू कभी पढ़ कर देखना क्या किससे हुआ करते थे। कहते थे बच्चों मजनू है ना, मतलब लैला जिस गली से गुजरती थी ना, मजनू उसके पैरों की मिट्टी को चूम लिया करता था। आज के टाइम अगर आप पैरों के किसी के मिट्टी को चूमोगे ना, वो आपके घर पर जाकर बोलेगी आंटी आंटी आपका बेटा मिट्टी खाता है। यानी वो ज़माना ही चला गया बच्चों, जब दिल सच्चे और मकान कच्चे होते थे। आज ना दिल सच्चे हैं ना मकान कच्चे हैं। आजकल ना मतलब गांव में नीम की तो संख्या घटती जा रही है, और लोगों के दिलों में ना कड़वाहट है वो बढ़ती जा रही है। आजकल लोगों ने बच्चों मीठा खाना तो दूर, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है, कहीं पर शुगर ना हो जाए। शुगर के डरने से लोगों ने मीठा बोलना भी बंद कर दिया है। तो इनका पुराना मतलब बचपन का नाम क्या होता था? मोहम्मद असन होता था। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, सरोजनी नायडू, इनको सवर कोकिला या भारत कोकिला कहा जाता है? सरोजनी नायडू, भारत कोकिला। सरोजनी नायडू, सवर कोकिला लता मंगेशकर को भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू को क्या बोला जाता है? भारत कोकिला। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और श्रीमती सरोजनी नायडू ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का गौरव 1925 में किसको मिला था? श्रीमती सरोजनी नायडू को मिला था। और पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेन सेन थी, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ये राज्यपाल भी, पहली राज्यपाल का भी गौरव किसको मिला था? श्रीमती सरोजनी नायडू को मिला था। आगे आता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि, किस नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी के उपनाम से जाना जाता है। किसके उपनाम से जाना जाता? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। एडोल्फ हिटलर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी बच्चों? एडोल्फ हिटलर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? नेताजी की उपाधि दी थी। एक बार आया था मदन मोहन मालवीय को महामना। मदन मोहन मालवीय जी को किस नाम से जाना जाता है? महामना के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को किस नाम से जाना जाता है? महामना। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, उसका मतलब आगे बढ़ाने का श्रेय जिसे BHU बोलते हैं, श्रेय मदन मोहन मालवीय जी को ही जाता है। मदन मोहन मालवीय बच्चों, इनकी ना इंटेलिजेंस थी ना बहुत, इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को कौन सा उपनाम से जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य कहा जाता है। क्या माना जाता है? लोकमान्य। लोकमान्य किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य तिलक के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके समाचार पत्र आए तो मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र थे? बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र थे। आगे आता है बच्चों चार्ल्स जयप्रकाश नारायण, इनको भी लोकमान्य कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण इन्होंने ना भारत छोड़ो आंदोलन में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का नाम आता है, इन्हें भी लोकमान्य कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को इन्होंने किस में योगदान दिया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया था। इनको भी क्या माना जाता है? लोकमान्य कहा जाता है। एक बार आया था राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? बाबू कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जो सबसे लंबे टाइम के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे थे 1950 से लेकर 1962 तक, उन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? बाबू के नाम से जाना जाता है, बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है। एक बार आया था बच्चों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता की उपाधि किसको मिली थी? चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी किसी टाइम में ना अंग्रेजों ने ना भारत की प्रेस पर क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी, भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने उसे आज़ादी दिलाई थी, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। एक बार आया था बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? आचार्य वेद पुरुष और भारत का मार्टिन लूथर। इम्पोर्टेंट है बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? इनको बच्चों आर्य कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट है, उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? वेद पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद पुरुष कहा जाता है। इन्होंने बच्चों 1875 में ना आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की थी, और इनका नाम आता है DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के मतलब संस्थापकों में किसका नाम आता है? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वेद पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? वेद पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों हमने क्या पढ़े हैं, ये प्रमुख व्यक्तित्व पढ़े थे जो आज तक है ना HSSC और SSC है ना बार बार पूछती है। अब एक टॉपिक हम और करेंगे बच्चों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज जितने भी टॉपिक आपको मैं करवा रहा हूँ ना, वो बच्चों किसी न किसी एग्ज़ाम से उठाए हुए हैं। और HSSC की एक खास बात होती है बच्चों, HSSC हो चाहे SSC है, वो पुराने एग्ज़ाम से ना क्वेश्चन उठाती है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे का ना एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए, गलत है नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये मेन आपके लिए क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जहाँ से एग्जामिनर में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आता है, किससे क्वेश्चन आ जाता है? वाद्य यंत्र। और वो जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि भजन संतूरी क्या बजाते हैं। तो कुछ है ना वाद्य यंत्र व उनके उस्ताद, क्या पढ़ेंगे? वाद्य यंत्र व उनके उस्ताद। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आता है, सितार कौन बजाता है, सहनाई कौन बजाता है। अब आता है पहला सहनाई, सहनाई किसके लिए फेमस है? वाद्य यंत्र व उनके उस्ताद, सहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? सहनाई बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? सहनाई बजाते हैं। याद ना रहे ना बच्चों, सहनाई में क्या नज़र आ रहा है? नाई। और नाई के पास हम बच्चे को मतलब लेकर जाते हैं ना, तो नाई क्या कर देता है? उस्ताद। नाई क्या होता है? नाई को हम क्या बोलते हैं? सहनाई में नाई। और नाई को हम क्या बोलते हैं? उस्ताद बोलते हैं। और नाई है ना, वो बच्चों क्या बिस्मिल्लाह करते हुए क्या कर देता है? कटिंग कर देता है। यानी राम का नाम लेते हुए बिस्मिल्लाह, मुसलमान कहते हैं ना बिस्मिल्लाह कर लिया, राम का नाम लेते हुए उस्ताद है ना नाई क्या होता है? उस्ताद। और वो बिस्मिल्लाह करते हुए क्या कर काट देता है? बाल काट देता है। तो सहनाई कौन बजाते हैं? उस्ताद है बिस्मिल्लाह खां। काफ़ी बहुत बड़ा नाम है बच्चों उस्ताद है बिस्मिल्लाह खां का। इनका नाम किस में आता है? सहनाई में आता है। सितार रवि शंकर, सितार कौन बजाते हैं? रवि शंकर। इम्पोर्टेंट है बच्चों, रवि शंकर का नाम किस में आता है? सितार में आता है। रवि शंकर, पंडित रवि शंकर का नाम किस में आता है? सितार में आता है। देखो सितार, सितार में क्या नज़र आ रहा है? तार। क्या नज़र आ रहा है? तार। और तार क्या है? रवि। रवि माने सूर्य, सूर्य क्या है? एक तारा है। सितारा, सितारा कौन है? रवि। रवि क्या है? खुद एक तारा। तो उस्ताद मतलब नाई, सहनाई में नाई, नाई के को कटिंग के नाई को क्या कटिंग करता है, और कटिंग करने वाले को क्या बोलते हैं हम? उस्ताद। और वो बिस्मिल्लाह करते हुए भी बाल काट देता है। सितार, सितार में तारा, और तारा कौन है?
सूर्य, रवि एक तारा है, सितारा कौन बजाते हैं, रवि शंकर। एक बार आया था तबला, जाकिर हुसैन, इम्पोर्टेंट है बच्चों, तबला, तबला कौन बजाते हैं, जाकिर हुसैन, तबला, तबला कौन बजाते हैं बच्चों, जाकिर हुसैन बजाते हैं, कौन बजाते हैं, जाकिर हुसैन। तबला में बल नजर आ रहा है, बल, और बल किसके पास था, जाकिर हुसैन, बल था तभी तो भारत के क्या बने थे, राष्ट्रपति, भारत के बच्चों राष्ट्रपति कौन रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के क्या बने थे, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास सबसे ज़्यादा बल किसके पास होता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन बने थे, जाकिर हुसैन। तो तबला वादक कौन है, फेमस है, जाकिर हुसैन बजाते हैं। इस प्रकार से बच्चों याद करोगे ना जोड़ जोड़ कर, तभी चीज़ें याद होगी, अदरवाइज आप चीज़ों को भूल जाओगे। आगे आता है सिम जीनी, ये जुबिन मेहता, सिम जीनी, सिम जीनी, सिम जीनी कौन बजाते हैं बच्चों, जुबिन मेहता, जुबिन, जुबिन मेहता, जुबिन मेहता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सिम जीनी, सिम जीनी कौन बजाते हैं बच्चों, जुबिन मेहता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सिम जीनी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिम जीनी कौन बजाते हैं, जुबिन मेहता कौन बजाते हैं, जुबिन मेहता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, जुबिन मेहता सिम जीनी, जैसे बच्चों जुबिन में जबान है, और जबान से पुराने टाइम में बोलते थे खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, और बच्चों क्या प्रकट हो जाता था, एक चिराग को रगड़ते ही खुल जा सिम सिम, एक जिन प्रकट हो जाता था। अब बच्चों वो टाइम नहीं रहा, जुबान से किसको पुकारते थे, सिम सिम, यानी किसी की पत्नी का नाम सीनी है, और सीनी को किससे बुलाएंगे, वो जबान से। तो सिम जीनी कौन बजाते हैं, जुबिन मेहता। और एक बार आया था बच्चों सारंगी, उस्ताद बिंदु खां, सारंगी, सारंगी कौन बजाते हैं, उस्ताद बिंदु खां बजाते हैं सारंगी, सारंगी कौन बजाते हैं बच्चों, उस्ताद, उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां क्या बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, सारंगी कौन बजाते हैं, उस्ताद बिंदु खां, इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस्ताद बिंदु खां क्या बजाते हैं, सारंगी। ठीक है, इसमें बिंदु नजर आ रहा है, और बिंदु कैसा होता है, रंग बिरंगी, बिंदु या बिंदी कैसी होती है, रंग बिरंगी, रंग बिरंगी से सारंगी, सारंगी कौन बजाते हैं, उस्ताद बिंदु खां। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार बार रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। एक बार आया था वायलिन कौन बजाते हैं, टी एन कृष्णन, वायलिन, वायलिन कौन बजाते हैं, टी एन कृष्णन क्या बजाते हैं बच्चों, वायलिन बजाते हैं, क्या बजाते हैं, वायलिन से हम पढ़ ले, इम्पोर्टेंट है बच्चों, वायलिन कौन बजाते हैं, टी एन कृष्णन बजाते हैं, टी एन कृष्ण यानी कृष्ण भगवान थे ना बच्चों, कृष्ण भगवान कुछ भी गाते थे ना तो गोपियां क्या हो जाती थी, उनमें लीन हो जाती थी, खो जाती थी, कृष्ण भगवान में गोपियां क्या हो जाती थी, लीन। तो वायलिन कौन बजाते थे बच्चों, टी एन कृष्णन क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। एक बार आया था संतूर, ये बच्चों शिव कुमार शर्मा और भजन संतूरी, ये दोनों संतूर बजाते हैं, संतूर, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा और भजन संतूरी, भजन संतूरी, ये दोनों क्या बजाते हैं बच्चों, संतूर बजाते हैं, सह से संतूर और सह से शिव, और सह संतूर या भजन संतूरी, संतूरी और शिव ये दोनों क्या बजाते हैं बच्चों, संतूर बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन संतूरी दोनों क्या बजाते हैं बच्चों, संतूर बजाते हैं। एक बार आया था बांसुरी, पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी कौन बजाते हैं, पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी, बांसुरी कौन बजाते हैं बच्चों, पन्ना कुमार घोष, पन्ना कुमार घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना कुमार घोष क्या बजाते हैं, बांसुरी, क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, अब बच्चों इम्पोर्टेंट है, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, हरि का तो बांसुरी का तो रोल ही है ना बच्चों, हरि भगवान श्री कृष्ण, देखो वायलिन वो कृष्णन बजाते थे, कृष्णन वाली वायलिन बजाते थे तो गोपियां क्या हो जाती थी, लीन, बांसुरी तो हरि बजाते हैं ना, बांसुरी कौन बजाएगा, हरि बजाएगा, और हरि है ना गीत नहीं है, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, तो हरि बांसुरी बजाते हुए गीत गा रहा है कौन मिल जाए, पन्ना, तो बांसुरी पन्ना कुमार घोष और हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं बच्चों, बांसुरी बजाते हैं, क्या बजाते हैं, बांसुरी।
एक बार आया था बच्चों रोनू मजुमदार, ये भी बांसुरी बजाता है, रोनू 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 मजुमदार, रोनू मजुमदार भी क्या बजाता है, बांसुरी। और हरी की बांसुरी थी ना वो इतनी प्यारी होती थी कि लोग है ना रोते रोते भी हंसने लगते थे। हरी यानी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे ना तो रोने वाले भी लोग, रोनू रोने वाले लोग भी क्या करने लग जाते थे, हंसने लग जाते थे। तो बांसुरी में तीन नाम आते हैं बच्चों, पन्ना कुमार घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है रोनू मजुमदार। क्या बजाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्या बजाते हैं सहनाई। सारंगी पढ़ा था उस्ताद बिंदु खां, क्या बजाता है सारंगी। बच्चों कंसेप्ट को ना ऐसे एक दूसरे से जोड़ोगे तो चीज़ें याद रह जाएगी। एक बार आया था बच्चों सरोद, सरोद है ना अजमल अली खां और अली अकबर, अजमद अली खां और अली अकबर क्या बजाते हैं सरोद, अजमल अली खां सरोद, सरोद अजमल, अजमल अली खां और अकबर अली, अकबर अकबर अली क्या बजाते हैं सरोद बजाते हैं। सरोद में रोदने वाली बात नज़र आ रही है, कौन सी बात नज़र आ रही है, रोंदने वाली। अजमल अजमल अली खां, अमजद खान वाली बात नज़र आ रही है। अजमद खान है ना शोले फिल्म में नाम सुना होगा, तो अपने दुश्मनों को वो क्या करके रख देता था, रोंद कर रख देता था। और सल्तनत काल में ना अकबर अपने दुश्मनों को क्या कर देता था, रोंद कर रख देता था, क्या कर रख देता था, रोंद कर। तो सरोद अजमल अली खां और अकबर अली क्या बजाते हैं बच्चों, सरोद बजाते हैं, क्या बजाते हैं सरोद बजाते हैं। एक बार इम्पोर्टेंट है बच्चों तबला, अल्लाह अल्लाह रखा तबला, तबला कौन बजाता है अल्लाह रखा तबला, तबला कौन बजाता है बच्चों अल्लाह रखा, अल्लाह रखा क्या बजाता है तबला बजाता है। तबले में हम मतलब तबला बजाते हुए लोग किसको याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तबला बजाते टाइम मतलब पहली आरती करते हैं, कोई भी काम की शुरुआत होती है भगवान से होती है ना, तो तबला भी बजाएंगे ना तो सबसे पहले किसको याद करेंगे अल्लाह। तो तबला कौन बजाता है बच्चों अल्लाह रखा। और हमने पढ़ा था ना जाकिर हुसैन, तबला में बल, बल किसके पास था, तबला में बल, और बल किसके पास होता है अल्लाह, भगवान के पास बल होता है, और बल किसके पास था जाकिर हुसैन राष्ट्रपति था उनके पास भी बल था। तो तबला बच्चों जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा क्या बजाते हैं तबला बजाते हैं। एक बार आया था वायलिन वीजी जोग, वायलिन कौन बजाते हैं बच्चों वीजी जोग, वायलिन वीजी वीजी जोग, वीजी जोग वायलिन, वायलिन हमने टीएन पर पढ़ा था ना टीएन कृष्णन भी वायलिन बजाते थे, कृष्ण भगवान जब लीन हो जाती थी ना गोपियाँ, वी जी जोग भी क्या बजाते हैं वायलिन। और बच्चों जो जोगी होते हैं ना वो अपनी भक्ति में क्या रहते हैं लीन रहते हैं, जो जोगी होते हैं वो किस में लीन रहते हैं भक्ति में लीन रहते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों जो जोगी लोग होते हैं ना वो किस में लीन रहते हैं भक्ति में। तो वायलिन कौन बजाता है वी जी जोग, वी जी जोग क्या बजाता है वायलिन। एक बार आया था बच्चों सितार निखिल बेनर्जी, सितार कौन बजाता है हमने पढ़ा था ना रवि शंकर भी बच्चों क्या बजाता था सितार बजाता था, और कौन बजाता है निखिल बेनर्जी सितार, निखिल निखिल बेनर्जी, निखिल बेनर्जी भी क्या बजाता है बच्चों सितार बजाता है, क्या बजाता है सितार। और सितार मतलब क्या होता है बच्चों सितार, सितार में तारा, और तारे निकलते ही ना मतलब निखिल, तारे निकलते ही कोई कैंडल लाइट डिनर करना चाहता है रात को होता है ना, तो तारे निकलते ही मतलब हमारी तबीयत खिल जाती है आजकल, मतलब तार तार में तारा, तारा निकलते ही तबीयत कैसी होती है खिल जाती है, क्योंकि बच्चों सारा दिन की मतलब काम के बाद हम रात को सोते हैं ना, और सोते टाइम तबीयत क्या होती है तारे निकलती है तो तबीयत खिल जाती है। निखिल बेनर्जी क्या बजाते हैं सितार। एक बार आया था तबला, ये लतीफ़ का तबला, तबला तबला अल्लाह रखा भी बजाता था, जाकिर हुसैन भी, और लतीफ़ खां भी कौन बजाता क्या बजाता था तबला, क्या बजाता था लतीफ़ खां। और बच्चों बल, बल भी हंसाने के लिए भी तो बल चाहिए ना, लतीफ़े सुनाने के लिए भी, लतीफ़े सुनाएंगे तो लोग हंसेंगे, और लतीफ़े सुनाने के लिए भी क्या चाहिए बल चाहिए। तो तबला कौन बजाता था बच्चों लतीफ़ खां तबला बजाता था। सहनाई दया शंकर, इम्पोर्टेंट है बच्चों सहनाई कौन बजाता था दया शंकर, सहनाई
कौन बजाता था? दया शंकर सहनाई बजाता था, और उस्ताद 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 बिस्मिल्ला खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां ये भी क्या बजाते थे? सहनाई बजाते थे। नाई, नाई को क्या नहीं आती बच्चों? दया नहीं आती। नाई जब बाल काटता है ना, बच्चे रोता रहता है, बच्चा रोता रहता है, लेकिन नाई है ना, नाई को क्या नहीं आती? दया नहीं आती। और नाई को हम क्या बोलते हैं? उस्ताद बोलते हैं। तो सहनाई दया शंकर और उस्ताद बिस्मिल्ला क्या क्या बजाते थे बच्चों? सहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? सहनाई बजाते थे। एक बार दोबारा आ गया बच्चों, वायलिन विष्णु गोविंद, वायलिन वायलिन विष्णु गोविंद। बीजी जोग भी वायलिन बजाता था ना बच्चों, और मतलब टी एन कृष्णन भी वायलिन बजाता था। एक वायलिन में है विष्णु गोविंद। वायलिन वायलिन कौन बजाता है बच्चों? विष्णु विष्णु गोविंद। विष्णु गोविंद भी क्या बजाता था बच्चों? वायलिन बजाता था। वायलिन कौन बजाता था बच्चों? विष्णु गोविंद भी क्या बजाता था? वायलिन। यानी विष्णु भगवान के अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। विष्णु भगवान के अवतार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला जाता है? गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो। तो गोविंद किसको बोला जाता है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण में गोपियाँ क्या रहती थी? लीन रहती थी, खो जाती थी। तो वायलिन कौन बजाते थे बच्चों? विष्णु गोविंद। एक बार आया था बच्चों मकबूल फिदा हुसैन, ये चित्रकार थे। मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार, चित्रकार मकबूल मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। इनको क्या कि ये क्या थे? चित्रकार थे। क्या थे? और चित्रकार कई बार ना बच्चों ऐसी पेंटिंग बन जाती है कि लोग उस पेंटिंग पर क्या हो जाते हैं? फिदा हो जाते हैं। कई बार बच्चों ऐसी पेंटिंग बन जाती है कि लोग उस पर फिदा हो जाते हैं। तो मकबूल फिदा हुसैन क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। क्या करते थे बच्चों? मकबूल फिदा हुसैन क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। एक बार आया है बच्चों कि ये तबला फयाज खान, फयाज खान क्या बजाते थे? तबला। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तबला अल्लाह रखा भी बजाता था, जाकिर हुसैन भी बजाता था, और फयाज खान तबला, तबला तबला कौन बजाते थे बच्चों? फयाज खान। फयाज खान क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। कौन बजाते थे? फयाज खान। क्या बजाते थे? तबला। और तबला है ना बच्चों, तबला किसे क्या की जाती है? रियाज, मतलब कोई पहले कोई काम से गाने से पहले क्या करते हैं हम? रियाज। तो तबला बजाने से पहले भी क्या होती है? फरियाद होती है। फरियाद किससे होती है? भगवान से कि आज का मेरा दिन क्या जाए सही। तो तबले से पहले क्या होती है? फरियाद। तो फयाज खान क्या बजाते हैं? तबला। एक बार आया था बच्चों वायलिन डॉक्टर एन राजन, वायलिन वायलिन डॉक्टर एन राजन क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन। और बच्चों राजा है ना, जो अच्छे राजा होते थे वो अपनी प्रजा में क्या रहते थे? लीन रहते थे। अच्छे राजा होते थे ना वो प्रजा में क्या रहते थे? लीन रहते थे। जैसे शेरशाह सूरी अच्छा राजा था और वो प्रजा की भलाई में क्या रहता था? लीन रहता था। तो राजा अपनी प्रजा में राजा को कैसे रहना चाहिए? लीन रहना चाहिए। एक बार आया था बच्चों वीणा बालचंदन, बालचंदन जी क्या बजाते हैं? वीणा। बालचंदन इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीणा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। वीणा कौन बजाते हैं? वीणा बाल चंदन, बाल चंदन जी क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीणा कौन बजाते हैं? बाल चंदन जी क्या बजाते हैं? वीणा। तो वैसे वीणा हो जाएगा और वैसे बाल, और बाल चंदन जी क्या बजाते हैं? वीणा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीणा कौन बजाते हैं? बाल चंदन जी। बाल चंदन जी का पेशा क्या है? क्या बजाते हैं? वीणा। वैसे वीणा हो जाएगा और वैसे बाल, तो बाल चंदन जी क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। एक बार आया था बच्चों मृदंग ठाकुर बिकम, मृदंग 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 कौन बजाते हैं? ठाकुर बिकम, ठाकुर बिकम क्या बजाते थे बच्चों? मृदंग बजाते थे। क्या बजाते? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ठाकुर बिकम मृदंग बजाते थे। क्या बजाते थे? मृदंग कौन बजाते थे बच्चों? ठाकुर बिकम क्या बजाते थे? मृदंग बजाते थे। तो बच्चों याद कैसे करो? मृदंग दबंग, मृदंग में दबंग नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? दबंग। और पुराने टाइम में ठाकुर लोग क्या होते थे? दबंग होते थे। मृदंग में क्या नजर आ रहा है बच्चों? दबंग नजर आता है। और पुराने टाइम में ना दबंग कौन होते थे? ठाकुर लोग बच्चों पुराने टाइम में क्या होते थे? दबंग होते थे। ठाकुर लोग पुराने टाइम में क्या होते थे? दबंग होते थे। मृदंग में क्या होगा?
मृदंग में दबंग, और दबंग कौन होते थे? ठाकुर लोग। ठाकुर लोग पुराने टाइम में क्या होते थे? दबंग होते थे। कौन होते थे ठाकुर लोग पुराने टाइम में? क्या होते थे? दबंग। तो मृदंग कौन बजाता है बच्चों? ठाकुर बीकम बजाता है। आगे आता है बच्चों गीत गायन, भीमसेन जोशी। गीत गायन, गीत गायन कौन करते थे? भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे बच्चों? गीत गायन के लिए कौन प्रसिद्ध थे? भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी क्या करते थे बच्चों? गीत गायन करते थे। और बच्चों जी गीत है ना, हमेशा हमें किस में गाना चाहिए? जोश में गाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई हम रो रहे हैं और गीत गा रहे हैं, रोएंगे तो बच्चों गीत को कोई सुनने वाला नहीं है ना। तो गीत को हमेशा कैसे गाओ? जोश में। तो भीमसेन जोशी किस में होते थे बच्चों? गीत गायन, गीत गाते होते पुराने टाइम में बच्चों। जैसे कोई वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान, ये बच्चों मतलब लोगों में क्या भर देते थे? कॉन्फिडेंस भर देते थे। इसीलिए पुराने टाइम में कवि है ना ऐसे ऐसे रसों का प्रयोग करते थे जिसमें ना सैनिकों को वीर रस आ जाता था, लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। तो गीत गायन कौन करते थे? भीमसेन जोशी। तबला विलायत खां, तबला एक फिर आ गया। तिबला कौन बजाते थे बच्चों? विलायत खां। नाम में देखो बल है ना, विलायत। तबला, तबला कौन बजाते हैं बच्चों? विलायत खां। तबला कौन बजाते थे? विलायत खां। विलायत खां क्या बजाते थे बच्चों? तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला। कौन बजाते थे? विलायत। तबला में क्या नजर आ रहा है बच्चों? बल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बल। और विलायत में भी क्या है? बल। विलायत में भी क्या है? बल। तो तबला कौन बजाते थे बच्चों? विलायत खां क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? विलायत खां तबला बजाते थे। इसी प्रकार से एक आया सरोद अलाउद्दीन। सरोद, सरोद अलाउद्दीन। अकबर अली भी सरोद बजाता था, अजमद अली खान भी सरोद बजाता था, अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन खिलजी भी अपने दुश्मनों को क्या कर रख देता था? रोंद कर रख देता था। अलाउद्दीन खिलजी है ना बच्चों, अपने दुश्मनों को क्या करके रख देता था? रोंद के कर रख देता था। ये बच्चों के कौन सा टॉपिक था? उस्ताद व उनके वाद्य यंत्र। कितने टॉपिक पढ़ लिए अभी तक हमने? 5 टॉपिक पढ़ लिए। एक बच्चों छोटा सा टॉपिक हम और करते हैं, और इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये जितने भी टॉपिक हमने उठाए हैं ना, ये हमने प्रीवियस पेपर के बेस पर उठाए हैं, जो बार बार है ना SSC और HSSC में ना रिपीट होते हैं। एक आता है बच्चों प्रमुख उपाधियां, कि किसने किसको उपाधि दी। ठीक है, प्रमुख उपाधियों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने ये आपको पिछले टॉपिक में बताया भी था, फिर भी बच्चों प्रमुख उपाधियों का टॉपिक होता है। कौन सा टॉपिक होता है? प्रमुख उपाधियों का टॉपिक होता है। जैसे बच्चों राजा, राजा की उपाधि मिली थी, राजा की उपाधि मिली थी राजा राम मोहन राय को मिली थी। और ये उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। ये क्वेश्चन आ गया है बच्चों कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। एक बार आया था बच्चों महात्मा, महात्मा की उपाधि किसको मिली थी? महात्मा गांधी को मिली थी। और ये किसने दी थी बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा को। महात्मा की उपाधि किसने दी थी बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की। एक आता है बच्चों गुरुदेव, गुरुदेव की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। कौन सी उपाधि मिली थी? गुरुदेव की। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? ये बच्चों वो क्वेश्चन है जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट। गुरुदेव की उपाधि किसको मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। एक आता है अर्ध नंगा फकीर, अर्ध नंगा फकीर। अर्ध नंगा फकीर की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को मिली थी। और देने वाले कौन थे? ब्रिस्टल चर्चिल। ये बच्चों जितने भी है ना यहाँ से ना क्वेश्चन 101% आते हैं, और बच्चों एक भी क्वेश्चन आपका गलत है नहीं होना चाहिए। अर्ध नंगा फकीर किसको कहा गया था? महात्मा गांधी को। किसने कहा था? ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। देशद्रोही फकीर भी, देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर भी किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा गया था।
और ये भी किसने कहा था? चर्चिल। तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को दो उपाधि दी थी, एक तो देशद्रोही फकीर की उपाधि दी थी और एक अर्ध नंगा फकीर की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? ब्रिस्टल चर्चिल ने दी थी। एक आता है राष्ट्रपिता, कौन सी उपाधि थी? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि दी मतलब महात्मा गांधी को मिली थी और किसने दी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इम्पोर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उपाधि दी थी? राष्ट्रपिता। कौन सी उपाधि है बच्चों? पहले उपाधि लिख देता हूँ, राष्ट्रपिता की उपाधि थी और एक उपाधि थी नेताजी की। कौन सी उपाधि थी? नेताजी की। राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को। किसको मिली थी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी। किसने दी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उपाधि थी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। और नेताजी की उपाधि है ना किसको मिली थी? सुभाष चंद्र बोस जी को मिली थी। सुभाष चंद्र बोस जी को, सुभाष चंद्र, श्री सुभाष चंद्र बोस जी को कौन सी उपाधि मिली थी? नेताजी की उपाधि मिली थी। और ये नेताजी की उपाधि किसने दी थी बच्चों? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। किसने दी थी बच्चों? एडोल्फ हिटलर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? नेताजी की। एक बार आया था बच्चों सरदार, सरदार सरदार की उपाधि किसको मिली थी? बल्लभ भाई पटेल को मिली थी। बल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि मिली थी सरदार की? यह किसने दी थी बच्चों? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की। एक बार आया था विवेकानंद को स्वामी, स्वामी स्वामी की उपाधि किसको मिली थी? स्वामी स्वामी विवेकानंद को मिली थी। स्वामी विवेकानंद जी को मिली थी। ये दी थी महाराज खेतड़ी ने दी थी। महाराज खेतड़ी ने दी थी। महाराज खेतड़ी। पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने दी थी। किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को किसकी उपाधि दी थी? स्वामी की उपाधि दी थी। महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को बच्चों किसकी उपाधि दी थी? स्वामी की उपाधि दी थी। उपाधियों से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को कौन सी उपाधि दी थी? स्वामी की उपाधि दी थी। एक बार आया था बच्चों कि कायदे आजम, ये मोहम्मद अली जिन्ना को उपाधि मिली थी। कायदे आजम की उपाधि किसको मिली थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को मिली थी। और दी किसने थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। इम्पोर्टेंट है बच्चों, कायदे आजम की उपाधि किसको मिली थी? मोहम्मद अली जिन्ना को मिली थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। एक बार आता है देश नायक, देश नायक, देश नायक की उपाधि मिली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। देश नायक किसको कहा जाता है? नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला जाता है? देश नायक बोला जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इम्पोर्टेंट है बच्चों, देश नायक की उपाधि किसको मिली थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिली थी। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये ना मतलब ये रविंद्रनाथ टैगोर, सही रविंद्र नाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये गलती से हो गया, थोड़ा ठीक कर लेना। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था? नेताजी कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर को अभी हमने डिस्कस किया, किसकी उपाधि मिली थी? गुरुदेव की उपाधि मिली। और इनको गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इनको गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर कर लेना, राजेंद्र प्रसाद नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। और नेताजी इनको किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एक बार आया था देश रतन, ये राजेंद्र प्रसाद को मिली थी। देश रतन, देश का हीरा, ये किसको मिली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली थी।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहा था? इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी उपाधि दी थी? देश रत्न की उपाधि दी थी। कायदे आजम की उपाधि किसको मिली थी? मोहम्मद अली जिन्ना को मिली थी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और देश रत्न की उपाधि किसको मिली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। राजा राम मोहन रॉय को कौन सी उपाधि मिली थी बच्चों? राजा की उपाधि मिली थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी को कौन सी उपाधि मिली? स्वामी की उपाधि मिली। किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने दी थी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। कहा किसने था? महात्मा गांधी ने। देश नायक किसे कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आया था, राजा राजा राम मोहन रॉय को राजा किसने कहा था? अकबर सेकंड ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को किसने कहा? महात्मा गांधी ने। अर्ध नंगा फकीर और देशद्रोही फकीर की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को। किसने कहा था बच्चों? ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि मिली थी? सरदार की बारदोली की महिलाओं ने दी थी। विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने दी थी। कायदे आजम किसे कहा जाता है बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है। और इनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। और देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था? तो राजेंद्र प्रसाद को बच्चों देश रत्न कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। आज बच्चों हमने स्टैटिक जीके के 6 टॉपिक कवर कर लिए। कितने टॉपिक कवर कर लिए? इस प्रकार से बच्चों आप है ना, स्टैटिक जीके का एक पैटर्न होता है, रट्टा मारने से ना स्टैटिक जीके बहुत होती है बच्चों याद है, नहीं होती। सीक्वेंस से आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको स्टैटिक जीके में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। पॉलिटिकल भी साइंस भी कैरी करेंगे, हरियाणा लेवल की सारे टॉपिक है ना बच्चों। ये तो एग्जाम थोड़ा सा जल्दी आ गया, अगर बच्चों 3 महीने मिलते ना एक एक टॉपिक है ना बड़े शानदार तरीके से करवाता। ऐसा नहीं है कि आपको समझ ये टॉपिक नहीं आएंगे, आपका इतना हमें प्यार मिल रहा है उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, सदैव आभारी रहेंगे। और कल मतलब थोड़ी तबीयत की वजह से जो वीडियो नहीं डाल पाए, आज 2 वीडियो आपको मिल जाएगी प्रॉपर टाइम से, ये तो अभी हो जाएगी, और एक वीडियो आपको रात तक मिल जाएगी। और बच्चों आप जो इतना प्यार हमारे लिए बनाए रख रहे हो, आगे भी बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप प्यार बनाए रखेंगे, क्योंकि बच्चों कलरक का एग्ज़ाम है ना, हमें हर हाल में हर कीमत पर बच्चों ये कलरक का एग्ज़ाम क्लियर करना है। मतलब जॉब लगने से बच्चों कुछ भी कम सेटिस्फेक्शन हमें नहीं चाहिए। माँ बाप के सपनों को पूरा करना है ना तो इसी टाइम जॉब लगना होगा। और 13 तारीख से आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता भी शुरू हो जाएगी, और आचार संहिता में बच्चों पेपर भी हो सकते हैं, रिजल्ट भी आ सकता है, एक चीज़ नहीं हो सकती वो है ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करो फल की चिंता मत करो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ज्वाइनिंग थोड़े टाइम बाद हो जाएगी, तो ज्वाइनिंग की तो कोई हमें चिंता नहीं होनी चाहिए ना। हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि मेरे को ना हर हाल में क्या क्लियर करना है, हर हाल में मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो बच्चों हमारा हर एक प्रयास आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने में रहेगा। और आप भी बच्चों अपना प्यार सदैव हमारे प्रति बनाए रखें, आपके प्रेम को हम है ना मतलब प्रेम को आपने जो हमें प्रेम दिया है ना, और हम भी बच्चों उस प्रेम के लिए आपके लिए सदैव क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।